नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर पहुंचे प्रधान कार्यालय से महाप्रबंधक नीरज कुमार। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधक मोहम्मद एम इमाम ने सर्वप्रथम उन्हें बूके देकर सम्मानित किया। महाप्रबंधक नीरज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोग उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे लोग अपना उद्योग करें एवं स्वावलंबी बने। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 200 बुनकरों को सेलेक्ट किया है, जिनको रोजगार के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य है। वहीं गोटरी, फिशरी, डेयरी के लिए भी हम लोगों ने 72 लोगों को सेलेक्ट किया है। रिटेल में भी कार लोन, हाउसिंग लोन हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भागलपुर में उद्योग मंत्री के प्रयास से मंजूषा आर्ट को भी GI टैग मिल गया है। हम उन्हें भी उद्योग लगाने में सहयोग करेंगे एवं जीविका की दीदी के द्वारा समूह के रूप में जो अपने स्वरोजगार को करना चाहते हैं उन्हें भी हम सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को लोन देते हैं व्यवसाय बढ़ाने के लिए, लोग अपना व्यवसाय करें और समय पर रुपया वापस भी करें। वैसे कस्टमर से मैं अपील करता हूं कि जिन्होंने लोन लिया है और समय सीमा के अंदर वह उनको नहीं लौटा रहे हैं, तो वो समय सीमा के अंदर बैंक को वापस करें और हमारे रिकवरी में सहयोग करें, ताकि पुनः लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकें। साथ ही महाप्रबंधक नीरज कुमार ने अपने कस्टमर और व्यवसायियों के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी सर, बताइए आज का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? सर, आज हमारे भागलपुर रीजन के लिए एक बहुत ही गौरवशाली दिन है कि प्रधान कार्यालय से हमारे जनरल मैनेजर श्री नीरज कुमार, जो हमारे GM HR हैं, आज वो हमारे इस भागलपुर प्रक्षेत्र को रिव्यू करने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। जी सर, बताया जाए कि आप भागलपुर आए हुए हैं और यहाँ ब्रांच को और यहाँ के कस्टमर्स को आप क्या सुविधा और क्या कुछ नया सुझाव देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका रफ्तार न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया भागलपुर की जनता के लिए, जो हमारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो प्रयास कर रहा है उसको जनता तक पहुँचाने के लिए आपका ये प्रयास मुझे बहुत सराहनीय लग रहा है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ विजिट का पर्पस क्या है। हमारे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हर क्षेत्रीय कार्यालय में एक आरलेक मीटिंग की जाती है। उस आरलेक मीटिंग के दौरान हम लोग अपने क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, उसमें जो भी सुधार की ज़रूरत होती है उस सुधार का हम लोग सुझाव देते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और इस तरीके से हम अपने कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के तरफ एक हमारा छोटा सा कदम आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान जैसा कि आपने हमसे सवाल किया है कि भागलपुर की जनता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है अभी पीछे 22 तारीख को हमारे अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर उपस्थित थे भागलपुर में और हमारे उद्योग मंत्री माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी भी आए हुए थे, जिनके अध्यक्षता में हमारे अध्यक्ष साहब भी उपस्थित थे और उन्होंने वहाँ पर भी घोषणा किया था। और हम लोग वीवर्स के लिए हम लोगों ने 200 वीवर्स बुनकरों का सिलेक्शन किया है और उसको हम लोग 1 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक का ऋण मुहैया कराएंगे आने वाले क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत। फिर हमारा नबार्ड का एक वाडी वाटर एरिया प्रोजेक्ट होता है, जिसमें डिफरेंट एलाइड एग्रीकल्चर्स, डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, गोटरी, इन सबों पर होता है। इसमें भी हम लोगों ने 72 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया, जिनको 36 लाख रुपए हम फाइनेंस करने जा रहे हैं। इसके साथ हमने रिटेल के तहत, जो हमारा नॉर्मल सेगमेंट है, रिटेल में भी हम लोग भागलपुर की जनता को हाउसिंग में, कार में, डिफरेंट हमारा फेस्टिवल बोनांजा होता है, इसके तहत भी हम लोग फाइनेंस करें। उद्योग के लिए आप कितना सोचते हैं? भागलपुर में एक उद्योग लग रहा है और एक जैसे बुनकर का बताया आपने, हम लोग इतना उनको सहायता कर रहे हैं और छोटे उद्योग के लिए क्या कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सर ने भी बहुत इम्फेसिस दिया था यहाँ की जो मंजूषा आर्ट है, जिसको कि GI प्रोडक्ट का दर्जा उनके द्वारा दिलवाया गया है, ये भागलपुर के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। और उसी दिशा में हमारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भी पूरा कमिटेड है कि हम मंजूषा आर्ट को भी बढ़ावा देने के लिए और बुनकरों को विशेष करके छोटा छोटा ऋण मुहैया कराकर एक इंक्लूसिव ग्रोथ पैदा करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी जो निचले तबके पर हैं उनको भी हम फाइनेंस कर सकें।
और छोटे उद्योग जैसे कुछ महिलाएं समूह बना के करती हैं, तो उसमें से आपका कहाँ तक योगदान? जी, जहाँ तक हमारा जीविका समूह के द्वारा भी हमारा टाइप है, उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम लोग महिलाओं को उद्योग के लिए प्रेरित करते हैं, उनके जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, उनको छोटा छोटा फाइनेंस क्रेडिट लिंकेज करके भी मुहैया कराते हैं, और उन सभी महिला जो हमारी साथी हैं उनको जीविका के माध्यम से हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत भी, जिसमें हमारे जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना है या सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें 12 रुपये और 330 रुपये का प्रीमियम कटौती होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार पर, उसमें भी हम सभी जीविका महिलाओं को उससे टैग करते हैं और उनको इसका भी लाभ पहुँचाते हैं। बस हमारा यही है कि हम उद्योग धंधे के साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर में, एलाइड एग्रीकल्चर में, रिटेल सेगमेंट में, और हम डाइवर्सिफाइड क्रेडिट करना चाहते हैं। आज के डेट में हमारा ग्रामीण बैंक का ये स्टेटस है कि हम किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को कम्पीट कर सकते हैं, तो ये हम अपनी जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि जितने भी तरह का उनका क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जितने भी बिल्डर साथी हैं उनका भी अगर कोई प्रोजेक्ट चलता हो तो उसके एस्क्रो अकाउंट को खोलने के लिए भी उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि हमारा DBGB आज बिल्डर्स के लिए एस्क्रो अकाउंट भी खोल रहा है और हम उनको फाइनेंस भी करते हैं और क्रेडिट लिंकेज भी हर तरह से करते हैं। तो मतलब डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट आज हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हम इंटरनेट बैंकिंग भी देते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी देते हैं, डेबिट कार्ड भी देते हैं, तो सारी सुविधाएं हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो आज हमारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है और हम इसको चाहते हैं कि हमारी जनता का सपोर्ट हमको मिले। आप पहले लोन तो दिए होंगे बहुत लोगों को, लेकिन उसका रिकवरी रेट क्या है? जी, रिकवरी के ऊपर हमारा प्रयास, बहुत अथक प्रयास हमारा किया जाता है। जो हमारे प्रधान कार्यालय स्तर से हमारे रिकवरी के महाप्रबंधक मिस्टर मनोज कुमार हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर द्वारा जो सिंपल एक नोटिस निकालने पर 2.5 करोड़ रुपये का कैश रिकवरी हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये एक तरह से एक मैसेज जाता है कि सिर्फ ग्राहकों से अगर हम बॉरोवर से नोटिस भी डाल देते हैं तो उस पर भी हमारे ग्राहक इतने जागरूक हैं कि उन्होंने कैश की रिकवरी की। जैसे हमारे लोक अदालत के ऊपर हमने लगभग 3 करोड़ रुपये की रिकवरी की, नोटिस के ऊपर हम लोगों ने 2.5 करोड़ की रिकवरी की, फिर PDR बॉडी वारंट करके भी हमने अभी NPA रिडक्शन में लगभग 10.5 करोड़ की कैश रिकवरी क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर स्तर पर की।